पोटेंशियल एनर्जी या फिर लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच बाय 2 मीटर इज यू, समझो अगर कोई स्प्रिंग है हम लोगों के पास, उसको हमने स्ट्रेच किया, ठीक है, और कितना स्ट्रेच किया, टू सेंटीमीटर, और इसमें पोटेंशियल एनर्जी यू आ जाएगा। ऑब्वियसली स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो एक्सटर्नल एजेंट का जो एनर्जी है वो इसमें आ जाता है। इफ द स्प्रिंग स्ट्रेच 8 सेंटीमीटर, अगर ये स्ट्रेच 8 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो अब एनर्जी यू डैश यू के टर्म में निकालना है ना, आसान क्वेश्चन है। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक ही स्प्रिंग है तो k कांस्टेंट है, मतलब u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर। अगर u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x का स्क्वायर, इसका मतलब u डैश अपॉन u दैट इज 8/2 का स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि 8/2 इज इक्वल टू 16, u डैश इज इक्वल टू 16 u के इक्वल आ जाएगा, है ना, इसका मतलब ये हुआ 16 u के इक्वल आ जाएगा और ये हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करो।